हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया जॉब्स पर। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2019 के संदर्भ में ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया जाएगा, कब तक आपकी एग्ज़ाम होगी, कब आपका शेड्यूल आएगा। और सेकंड बात कि आपकी जो एनटीपीसी की भर्ती है, उसमें सबसे बड़ी खुशखबरी यही आ चुकी है कि आपकी भर्ती 2021 तक कम्प्लीट कर ली जाएगी। और इसके बाद हम बात करेंगे सीबीटी फर्स्ट जो एग्ज़ाम वो कब होगा। फ्रेंड्स, आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से कीजिए। तो आइए, आज हम बात करेंगे आपको इस न्यूज़ के बारे में पूरी। फ्रेंड्स, मैंने दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर ओपन कर रखा है, जिसमें कि आज एक न्यूज आई है जिसमें बताया गया है कि रेलवे ने भर्ती एजेंसी चुनने के लिए निकाला टेंडर, जिसमें आप पढ़ेंगे कि नई दिल्ली रेलवे ने 35,000 से ज़्यादा भर्तियों के लिए परीक्षा कराने वाली एजेंसी का चयन करने के लिए टेंडर जारी किया है। यह पहला अवसर है जब रेलवे की ओर से इस प्रकार का टेंडर जारी किया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के कुल 35,208 पदों के लिए 1.26 करोड़ अभ्यर्थी हैं। रिक्त पदों में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पोस्ट हैं, जिसमें टाइपिंग क्लर्क, टाइप कीपर, स्टेशन मास्टर और गाइड शामिल हैं। परीक्षा कराने वाली एजेंसी का चयन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कर लिया जाएगा। चयनित एजेंसी सभी अभ्यर्थियों की छानबीन करने के बाद तीनों चरण में परीक्षा कराएगी। और जो ये बात बताई गई, भर्ती की यह प्रक्रिया मार्च 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। फ्रेंड्स, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अब बात करनी है एनटीपीसी का जो सीबीटी फर्स्ट आपका होने वाला है, तो वो आपका कब तक हो जाएगा। तो उसके लिए यदि ये मार्च 2021 तक पूरी करा ली जाएगी, तो इसमें देखो फ्रेंड्स, आपके सीबीटी फर्स्ट है, सेकंड है, उसके बाद साइको टेस्ट है जो सीबीटी थर्ड है, और कई पोस्टों पे यहाँ पे टाइपिंग भी होने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3-4 स्टेप लगेंगे, मेडिकल हुआ, डीवी हुआ। तो ये सब की इन्होंने जानकारी दिया कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया 2021 तक कम्प्लीट कर ली जाएगी। तो फ्रेंड्स, जिस दिन आपकी एजेंसी का चयन होगा, मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ 99.99% चांस उसी दिन के हैं कि आपके सीबीटी फर्स्ट के एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी कर दिए जाएँ। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। मार्च अप्रैल लास्ट में जब ये आपकी सीबीटी फर्स्ट की यदि डेट घोषित कर देते हैं, तो आपका एग्ज़ाम मध्य मई यानी 15 से 20 मई के बीच में स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आप अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। और अपनी एनटीपीसी में एक सीट जो अपने को लेनी है, उसके लिए आप एकजुट होकर तैयारी कीजिए। और हो सकता है कि जो ये एजेंसी का फाइनलाइजेशन किया जा रहा है, वही एजेंसी आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा सकती है। तो इस समय आपको ग्रुप डी को नहीं, एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी करनी है कि हमें आपकी बार एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है और ना कि ग्रुप डी में। फ्रेंड्स, एनटीपीसी की पोस्ट ग्रुप डी की पोस्ट से काफ़ी अच्छे, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आप ग्रुप डी के चक्कर में ना आए कि उसमें 1,00,000 वैकेंसी है तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें 35,000 है, इसमें बहुत ही कठिन है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपने 1 साल से मेहनत किया, आप उस मेहनत का फल अच्छी तरह से पाए और अपनी तैयारी को एकजुट होकर करें। तो फ्रेंड्स, रेलवे भर्ती एनटीपीसी से संबंधित पल पल के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।